होटल CIA पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए एक बार फिर करारी चोट मारते हुए लाखों रुपए की कीमत का मादक पदार्थ स्मैक बरामद कर मादक पदार्थ तस्करी के मंसूबे पर पानी फेरा है। होटल CIA प्रभारी होटल जगशेर सिंह ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों पर नकेल कसी जा रही है। इसी कड़ी में तैनात उप निरीक्षक हनीश खान अपनी टीम के साथ बराए गश्त पड़ताल जुराइरम रेस्ट हाउस हतीन पर मौजूद था कि मुखबिर खास से मुलाकात होकर बतलाया कि आसिफ पुत्र नशाउद्दीन निवासी रूप डाका नशीला पदार्थ स्मैक बेचने का अवैध धंधा करता है, जो आज गार्ड कॉलोनी हतीन में अपनी दुकान के साइड वाली गली में सरकारी अस्पताल के पीछे स्मैक बेच रहा है। अगर तुरंत रेड की जाए तो स्मैक सहित काबू पाया जा सकता है। सूचना ठोस होने पर मुखबिर के साथ उपरोक्त जगह पहुंची, जहां पर मुखबिर ने इशारा करते हुए बताया कि यह आसिफ है जो दुकान के साइड में स्मैक बेच रहा है। जो आरोपी को काबू करके नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पता आसिफ पुत्र नशाउद्दीन निवासी रूपडा का बतलाया। ये रुपड़ा का गांव का रहने वाला, हमारी टीम के पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि ये आसिफ नाम का लड़का है जो अधीन के अंदर जो नशा जो की सप्लाई करता है। और माननीय SP साहब की दिशा निर्देशों अनुसार हमारी टीम ने कल बहुत अच्छा कार्य किया और हमारी टीम ने इसको काबू किया है। और काबू करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुलाकर तलाशी ली है और तलाशी लेने के बाद इसकी पास से 21 ग्राम और 40 मिलीग्राम जो समय को वो बरामद की गई। क्या इसकी कितनी कीमत होगी? देखिए आज इसको अब कोर्ट में पेश करेंगे, कोर्ट में पेश करके इसका हम रिमांड लेंगे सर, और इसके जो सोर्स का पता करेंगे ये कहाँ से लेके आता है और किन किन को ये बेचता है सर। क्या ये कोई और पहले भी काम करता था इस बार? अभी इसके बारे में भी इसका अभी हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड का वो नहीं है। अब इसको रिमांड पे लेके इसे गहनता से पूछताछ करेंगे, इसके मुकदमों के बारे में और भी डिटेल इसकी पता की जाएगी। कौन कौन सी धारा का मुकदमा किया है? हमें NDBS की धारा 21 के तहत मुकदमा दर्ज किया।